हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोजॉब राजस्थान पर। आज मैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सबको सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर का पेपर बताऊंगा, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, साथ में उनके आंसर बताऊँगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगा, जिसे भी इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारी पसंद नहीं है तो तुरंत अनसब्सक्राइब करें चैनल को, और आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। क्योंकि मुझे एक कैंडिडेट ने कल बहुत गंदा कमेंट किया था, तो मैं उसको बोल देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वो तुरंत मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करें और मेरा चैनल छोड़े, वो अपना टाइम बर्बाद ना करें। अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ, फिर भी अगर वो मेरी जानकारी देख रहा है और गलत कमेंट कर रहा है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हुआ है जो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, दुखी होकर के कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पर जो आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी की जानकारी देता हो, और कोई ऐसी प्रॉपर साइट नहीं है जिस पर सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी की जानकारी मिलती हो। फिर भी मैं आप लोगों के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का रेगुलर अपडेट देता हूँ, कहीं से भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में बताता हूँ, कहीं पर भी कोई पेपर लगता है तो उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, उसकी एग्ज़ाम डेट बताता हूँ, ठीक है, और जो पर्सनल टच में है उनको गाइड भी करता हूँ। तो आप मुझे फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उल्टे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वो तुरंत मेरे चैनल को छोड़ दें। अगर वो मेरे चैनल को फिर भी देखते हैं, उल्टे कमेंट करते हैं, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ वो खुद है, ठीक है। और अगर इतना ही टैलेंट जो गलत कमेंट करते हैं, तो वो अपना टैलेंट साबित करें, पहले एक यूट्यूब चैनल बनाए या ऐसा कुछ करें, या फिर खुद सक्सेस होकर के दिखाएं, उसके बाद में गलत कमेंट करें। खुद तो सक्सेस नहीं है और दूसरे जो किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको कुछ करने भी नहीं देते, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अनसक्सेसफुल है, ठीक है, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं बिना वजह, वाई क्यों दे रहे हैं, पहले खुद तो सक्सेस हो जाओ। अगर आप में इतनी काबिलियत है तो आप दो ना दूसरों को ज्ञान, भाई आप बनाओ यूट्यूब चैनल, आपको पता चलेगा कितना टाइम बर्बाद होता है, कितनी मेहनत लगती है, कहाँ से कंटेंट लेना पड़ता है, कैसे ढूंढना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेगी ना तो कितना मुश्किल काम है, तब जाके पता लगेगा गलत कमेंट करने पर कितना दुख होता है सामने वाले को, ठीक है। और इसी वजह से मैंने कमेंट ऑफ कर दिए, अब जिनको जानकारी चाहिए वो भी मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे गलत कमेंट करते जाओगे, मैं आगे जा करके और स्टिक होता जाऊँगा, अभी कमेंट बंद किए हैं, धीरे धीरे हैं, जो मैं ऐसे ही घिसे पिटे वीडियो डालने लग जाऊंगा, जिसको देखना है देखो, नहीं तो मत देखो, मेरा तो फिर भी चलेगा थोड़ा बहुत। सैनिटरी इंस्पेक्टर के कितने स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम 5,000-10,000 ऑल इंडिया में, 10,000 में से जितने हैं उतने जुड़ चुके हैं मेरे चैनल पर जो एक्टिव है, ठीक है, जो एक्टिव नहीं है वो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उनको वैकेंसी का पता ही नहीं चलता, उनको ये नहीं पता कि यूट्यूब पे चैनल है, इसलिए वो अभी तक नहीं जुड़े, वो अभी भी सो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जाग रहे हैं उनका भी नुकसान होता है ऐसे गलत कमेंट करने से। और हाँ, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो गलत कमेंट करने वालों को हैंटेंट रिप्लाई नहीं देते मेरे चैनल पर, जो सही है जिनको जानकारी चाहिए वो तो कम से कम उसको सबक सिखाएं, हैंटेंट बोले कि भाई तू ऐसे क्यों कैसे बोल रहा है, ये गलत कमेंट कैसे कर रहा है, अगर तुझे नहीं चाहिए तो तू छोड़ दे चैनल को, क्यों बना हुआ इस चैनल पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे गलत कमेंट ना करें, पहले आप खुद एक बार मेहनत करें सामने वालों के लिए, और चैनल बनाएं और उनको जानकारी दें, उनको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाएं, तब जाके आपको पता चलेगा कितनी मेहनत होती है, ठीक है। तो मेरा यही कहना था, और ज़्यादा देर ना करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, आपको सीधा पेपर की तरफ लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये जो पेपर है आपके 9 मार्च 2016 का, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं, भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी डन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कीपिंग क्लाइम शांत रहना, नॉट यूजिंग लेफ्ट, ठीक है, बी सी में दे रखा है, मूव टू एन ओपन एरिया,
डी ऑप्शन दे रखा है, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें मैं आपका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके, मेजर टाइप्स ऑफ फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस के मुख्य प्रकार है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है डेंटल फ्लोरोसिस, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा ऑप्शन है आपके डेंटल फ्लोरोसिस, बी में स्केलेटल फ्लोरोसिस, सी में मस्कुलर फ्लोरोसिस और डी में है बोथ ए एंड टू। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बोथ वन एंड टू। तीसरा क्वेश्चन है आपके, विच थिंग कैन बी डिकम्पंडे इन लेस देन सिक्स मंथ इफ लेफ्ट आउटसाइड। तो हिंदी में ये क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ यदि खुले में रखी जाए तो 6 माह के भीतर अपघटित हो सकती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्लास्टिक और कांच की बोतल, दूसरा ऑप्शन है भोजन पत्ते और घास फूस, तीसरा ऑप्शन है मलवा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और ऑक्सीजन से, लास्ट जो ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन से। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए या एक, कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में लीटर रक्त होता है। तो ऑप्शन ए 7 से 8 लीटर, ऑप्शन बी है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी है 9 से 10 लीटर, ऑप्शन डी है 2 से 3 लीटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 5 से 6 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण दबाव को मापने में काम आता है। तो पहला ऑप्शन है बोरोमीटर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रेडियोमीटर, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर कुकर, लास्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा बोरोमीटर, ऑप्शन ए। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, मिलावट के लिए क्या काली मिर्च में मिलावट के लिए क्या मिलाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा पपीते के बीज, दूसरा ऑप्शन है छोटे कंकर, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक के मोती और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबो। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा पपीते के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल के गलत निस्तारण से हो सकता है, आठवां। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है भोजन का दूषित होना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। एटवें क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 15 सितंबर। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में 15 अगस्त है, ऑप्शन बी में 15 सितंबर है, ऑप्शन सी में 15 अक्टूबर है और ऑप्शन डी में 19 नवंबर है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा 15 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपदा चक्र में सम्मिलित है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यावसायिक रोग के रोकथाम के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है मेडिकल चिकित्सालय, ऑप्शन बी है इंजीनियरिंग अभियांत्रिक,
ऑप्शन सी है लेजिस्लेटिव विधिक, लेजिस्लेटिव विधिक, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन थ्री पवन चक्की। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी संक्रमण या टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोधक क्षमता को कहते हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें हार्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन बी में दे रखा है पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी में दे रखा है एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी में दे रखा है स्पेसिस ह्यूमन इम्यूनिटी। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपके ऑप्शन थ्री एक्टिव इम्यूनिटी। 14 क्वेश्चन है, हवा एक मिश्रण है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा गैस। हवा एक मिश्रण है तो इसमें करेक्ट आंसर है गैस। इंग्लिश में देख लीजिए आप इसको, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा गैसेस। 15वां क्वेश्चन है, जैव आतंकवाद में किसका सबसे ज़्यादा खतरनाक ढंग से इस्तेमाल हो सकता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम। तो आतंकवाद में किसका सबसे ज़्यादा खतरनाक ढंग से इस्तेमाल हो सकता है? तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है वायरल एनसीफेलाइटिस, ठीक है, ऑप्शन बी में दे रखा है ब्रुसेलोसिस, ऑप्शन सी में दे रखा है टीबी, ऑप्शन डी में दे रखा है क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 15 में ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक कीटनाशक को कौन से रंग से दर्शाया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन रेड। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन बताऊंगा, इसके पूरे 3 पार्ट बनाऊंगा, 60 क्वेश्चन है इसमें टोटल आपके सब्जेक्ट के सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड, तो 20-20 करके 3 पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। इसके मैं आपके कम से कम 2 पेपर दिखाऊंगा जिसमें आपके मैं 6 वीडियो डालूंगा। तो आप तुरंत रेगुलर बने रहिए मेरे इस चैनल पर ऐसे ही, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा सकूँ, और ऐसे ही आपको जैसे अभी एम्स में वैकेंसी निकली हुई तो उसकी तैयारी करने में ये वीडियो काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर रेशा का अच्छा स्रोत है? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपके ऑप्शन फोर संपूर्ण बिना कली निकाले अनाज की रोटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की यूनिट का दूसरा नाम क्या है? 18 क्वेश्चन का आंसर आएगा इसमें ऑप्शन टू। 2 आएगा दोस्तों, जिसमें आपका आएगा किलोवाट घंटा। 19 क्वेश्चन है, पानी के उबलने से इसके सिवाय सभी जीवाणु मर जाते हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्पॉट्स, ठीक है। और 20 क्वेश्चन है, 20 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र में भोजन के गुजरने का सही क्रम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वो आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए में देगा ईसोफेगस, बड़ी आँख, पेट और छोटी आँख, तो ये आपका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है माहूत, माहूत मतलब मुँह, ईसोफेगस और स्टोमच और लार्ज, ठीक है। ऑप्शन सी है, तो इसमें है ईसोफेगस, छोटी आँत,
पैट और एनाश। और ऑप्शन डी जो है इसमें है आपके माउथ, मुंह, इसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेंसिन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर। तो ये जो क्वेश्चन जो है 40 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और आप ऐसे ही बने रखें ये मेरे चैनल पे। आपको मैं ऐसे तैयारी भी कराता रहूँगा, और आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, टीबी हेल्थ विजिटर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑल पैरामेडिकल जितने भी वैकेंसी आती है सारी की मेरे चैनल पे ऐसे रेगुलर जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।